हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको बिना मिक्सर का यूज़ किए हम 5 मिनट में कैसे कोकोनट चटनी तैयार कर सकते हैं वो बताऊंगी। यह चटनी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बनाने में तो बहुत ही आसान होती है। आइए अब हम कोकोनट चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक बाउल दही लिया है, फ्रेश जमा हुआ दही है, और ये भुने हुए चने हैं जिनका छिलका उतरा हुआ है। इसका मैंने पीस कर इस तरीके से पाउडर बना लिया है। मैं अपने पास हमेशा ये पाउडर तैयार रखती हूँ। ये कोकोनट पाउडर है जो रेडीमेड बाज़ार में मिलता है। लाल मिर्च, नमक और राई, मस्टर्ड सीड, ये थोड़ी सी हरी चटनी है। अब बाउल में ये कोकोनट जो तैयार पाउडर मिलता है वो लिया, भुने हुए चने का पाउडर लिया। ये दोनों चीज़ मैं हमेशा अपने पास तैयार रखती हूँ। लाल मिर्च डाली, नमक डाला, डाली चटनी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें और नहीं है तो इसके भी हम बना सकते हैं। अब इसमें दही डाला। आमतौर पर ज़्यादातर चटनी घरों में रहती है, क्योंकि चटनी अगर हमारे पास तैयार है तो हम बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं और आसानी से सर्व कर सकते हैं। मैं अपने पास हमेशा अपने फ्रिज में चटनी तैयार रखती हूँ। अब इसको देखिए अच्छे से मिलाया, देखिए चटनी अभी से देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसमें हमने भुना चना भी यूज़ किया है तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अब इसमें हम छौंक लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल में हमने मस्टर्ड सीड डाले गर्म होने पर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली सूखी, कड़ी पत्ता तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, ये देखिए थोड़ी सी इसमें ऊपर से लाल मिर्च भी डाली। यह चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप उत्पम के साथ बना सकते हैं, इडली के साथ बना सकते हैं, डोसे के साथ बना सकते हैं। और ये देखिए ऊपर से इसमें हमने डाल दिया चौंक। इतनी चटनी हमारी बनकर तैयार है। जब कभी आपके पास गोला अवेलेबल नहीं हो तो आप इस तरीके से चटनी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस कोकोनट चटनी से टोस्ट भी तैयार करते हैं। इसके अलावा उत्पम है, इडली है, इन सब के साथ इसको खाया जा सकता है। थैंक यू।